नमस्कार गाइस, सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में हम आपको बताने वाले बिहाइंड द सीन्स ऑफ आर न्यू वीडियो व्हिच इज इफ रिक्शा वालास वर पायलट्स। सो नाउ दैट वी हैव चेक्ड इनटू आवर होटल, व्हाट इज द प्लान? कब है शूट, क्या सीन है? सो आज तारीख है 10 तारीख एंड हमने लोकेशन लिया 11 तारीख के लिए, दैट इज टुमारो ट्यूजडे। सो राइट नाउ वी आर सिटिंग फॉर स्क्रिप्टिंग। कैसा हम लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं ताकि कल जाके फकअप ना हो। विरार होते तो अपना क्या चलता रहता है कि अपन डिले कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है सेट वेट का, दिल्ली आया खर्चा करके, तो एक दिन में निपटाना जरूरी है। तो वही स्क्रिप्टिंग चल रहा है अभी एंड आई गेस ये अगले एक घंटा चलेगा। स्क्रिप्टिंग के साथ प्री प्रोडक्शन होगा, प्री प्लानिंग होगा, शॉर्ट्स होगा एंड प्रॉप्स एंड एवरीथिंग। सो वही चलेगा अगले आधे घंटे एंड देन गॉट स्लीप अर्ली, हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। ब्रेकफास्ट भी तो करना है होटल का। अभी कैसा मुद्दे का बात बोला भाई, क्या मजा। सीन फाइव अपन बस करेगा अभी, काम नहीं करना तेरे को अभी। कौन टाइम पास कर, कौन मोबाइल में टाइम पास कर रहा है साला, कितना टाइम पास करे भाई, कब से मोबाइल लेके बैठे, काम नहीं करना तेरे को। ए मूसा भाई ये बंदा बेचारा मेहनत कर रहा है, इक्विपमेंट्स अरेंज कर रहा है, ये दोनों को पबजी खेलना है इधर। पहले फोटो शूट कर रहे हो, अभी पबजी खेल रहे हो, मैं यहाँ स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, वो वहाँ इक्विपमेंट कर रहा है। इनको कमेंट्स में गालियाँ दो, जितनी अच्छी गालियाँ दे सकते हो उतनी दो, मैं पिन टॉप करूंगा। दो ये बंदे के मुंह पे खुशी देख रहे हो, सुबह उठ के कभी इतनी खुशी नहीं होती। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर ब्रेकफास्ट? सुबह उठ गया 7:30 बजे खाने के लिए। मतलब जिंदगी में अगर अपने को ब्रेकफास्ट रोज सुबह ऐसा मिले तो अपने को अलार्म बिलार्म का जरूरत ही नहीं पड़े। नहीं बस मम्मी बोलती सुबह उठता नहीं, ऐसा ब्रेकफास्ट ना उठूंगा। ये का चालू ये दिया है ना, ये रहा इससे ले। अरे कैसा, मतलब मैं टेस्ट कर थोड़ी है। ए, पीपी के लिए। जिम वाले लोग शाम जिम वाला नहीं, मोटा हो गया, मोटा। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था दिल्ली में इतना ठंडी होगा, मतलब मैं घर सर से सर का वो टोपा भी नहीं लाया, मैं कश्मीर जाके आया हूँ, दिल्ली के। जब ट्रेन से उतरे तो वीवा बोले कि लोगों ने इतना जैकेट वैकेट क्यों पहना है, इतना नहीं लगा। लेकिन भाई साहब जब कल शाम को बाहर खाने निकले ना भाई, कुत्ते फेल हो गए। मतलब टेम्परेचर इतना कम नहीं है, टेम्परेचर 10-12 पर ठंडी लग रही है जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, देखना मेरा एक हाथ अंदर घुसा हुआ है। तो चले भैया शूट करने, बहुत लेट हो गए, चलिए। मेरे को स्टोरी तो बता क्या हुआ। कौन सा स्टोरी? सो वी हैड पायलट का ड्रेस एंड वो बहुत मेस्ड अप था, बहुत रिंकल्स थे। तो मैंने निशित को बोला कि आज द होटल पीपल टू कि आयन वायन होगा कि नहीं। सो हो रहा था, निशित बोला कि हो रहा है, लेट्स लीव। सो वी आर वेटिंग डाउन सिंस लाइक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। निशित आता है, बोलता है, मैं बोला क्या हुआ इतना टाइम क्यों लग रहा है, बोलता आयन करने दिया था, होटल वालों ने गलती से धोने दे दिया। अभी उसमें 15 मिनट गया, अभी धुल गया है, अभी वो लोग प्रेस करके देंगे। और ऊपर से क्या बोलते हैं, सॉरी सर वी वोंट चार्ज यू फॉर दैट। मतलब बोला किसने धोने के लिए। अच्छा है वो कॉस्ट्यूम वाले के फाइनली कपड़े धुले। मेरे को तो नहीं लगता इन लोग धोते भी रहेंगे। वो सब ठीक है यार, बट आई जस्ट होप कि लेट ना हो जाए यार। अपना विरार थोड़ी ना कि कभी भी शूट कर लिया निकल लिया भाई, दिल्ली में आए अपन, सोच समझ के शूट करना पड़ता है भाई, समझ गया भाई। ए तू हरियाणवी एक्सेंट कहाँ से ला रहा है? दिल्ली में है ना ब्रो। तू हरियाणवी है? मेरी माँ इज फ्रॉम दिल्ली। तू ये हरियाणवी कैसे हो सकता है, तो हरामी है। मुझे पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन भाई अपने नए हेयर स्टाइल का लाके आए ले। बोला इधर। What is the reason behind this hairstyle, bro? I'll talk to you later. Hello? हाँ मम्मी, पहले मम्मी का फोन उठाएगा ना, बाद में तेरे से बात करेगा। हम लोग बस इधर शूट करने अभी निकले। हाँ अभी निकल रहे। Yes, yes. Everything's done, mom. This is how he treats me. Huh? I'm here. Yes, I removed my cell phone to record a vlog first. And look at him. My fucking memory is being used. And look at him. Mummy, ek minute idhar kutte bhauk rahe hain baad mein phone. Yeah, so you're saying
So what's the reason behind this hairstyle, bro? कल मैं रात को ऐसे ही एक चींटी मर गई तो मुझे बुरा लगा. What? तो मैंने मुंडन कर दिया. तो छोटी दिखा पीछे का? बहुत छोटी छोटी है, बहुत चींटी मरी. Exactly. चींटी छोटी चींटी चाटी. Also guys, we don't know कि आप लोगों ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू किया है नहीं. And if you haven't, I guess this is the perfect time to start investing in cryptocurrencies. And you can do it by this app CoinDCX, which is India's safest and simplest cryptocurrency exchange platform. आपको झूठ लग रहा है? ये देखो ध्रुव क्या कर रहा है. क्या कर रहा है दिखा? लगा ही था मेरे को. मैं तेरे को क्या बोला कि मैप में देख कितना दूर है लोकेशन एंड व्हाट आर यू डूइंग. इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी, सही टाइम है इन्वेस्ट करने का. ये मैप में ये लगा ले, तू मैप लगा ले. ये भी CoinDCX खोल के बेटा. क्या फालतू पीपी, तू तो मैप लगा ले यार. Roof. Also, I feel कि many people don't invest in cryptocurrency because वो लोगों को पता ही नहीं कि साला function कैसा करता है. नया चीज़ है ना. So people who don't know about cryptocurrencies, CoinDCX also provides a learning platform called DCX Learn. तो आप जाके cryptocurrencies, blockchain और भी crypto related topics के बारे में सीख सकते हो, वो भी free. You can start your crypto journey with a minimum deposit of rupees 100 and you can also buy cryptos for as low as rupees 10. CoinDCX is ISO certified and it has multiple inbuilt security features. तो डरने वाली कोई बात नहीं. Also, CoinDCX has developed a 7M model to manage risks associated with cryptocurrencies. और best part ये है कि जितने भी transactions होते हैं CoinDCX पे सब transparent है without any hidden charges. So download CoinDCX right now, जो link है नीचे description box में दिया. And if you use our code Funcho100, so you'll get a Bitcoin worth rupees 100. So invest on CoinDCX क्योंकि future यही है. Download करो. यहाँ पर crypto trading and onboarding नए और पुराने customers दोनों के लिए एकदम super easy है. यहाँ पे आप अपने funds deposit और withdraw कर सकते हो 24/7. So देर किस बात की? Description में दिए हुए link से download करें, sign up करें, complete KYC, link your bank account and you're good to go. चांदनी चौक वाला अभी दो शॉट है. बच्चे आई एम कैमरा कॉन्शियस, डोंट डू दिस. ओए पीपी रे अजीम होशार चैनचा पर मारवे हमेशा हमेशा साला. गुड पीपी गुड. ये वाला शॉट ले रहा अपन ले ओवर की भाड़ा बड़ा हाँ. तो इसको अपने को कहीं और घुसाना पड़ेगा, अनाउंसमेंट के बाद घुसा सकते हैं. नहीं नहीं मैं क्या सोचा मालूम है क्या, नया रिक्शा वाला ना अचानक से गाड़ी की इधर तो रुका देता है एयरपोर्ट पे. देखिए मूतना है अभी वेटिंग करा था सबको, फिर बोलता है अरे सर एयरपोर्ट में मूतना. ओ सॉरी चलो वापस चल देगा. हाँ वापस बोल. ओ रियली क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे सुनेगा इधर, बोल वापस बोल. ये पता है लेजिट फ्लाइट है बेसिकली. 2004 में इसका लास्ट टेक ऑफ हुआ था, एयरबस 330 शायद कुछ तो बोला. सो 2004 में जब ये फ्लाइट ख़त्म हो गया, मतलब आई डोंट थिंक कि ये वापस टेक ऑफ ले पाया होगा, तो वो लोग यहाँ पे लेके आए इसको. एंड देन बिल्डिंग ना, बिल्डिंग इसके हिसाब से बनाए थे. ठंडी लग रहा है शॉट लो. चलना बीबी काय करतो है. बच्ची इधर आ. ए तुम लोग को बता दो फ्लाइट कैसे उड़ा दे, प्लेन कैसे उड़ा दे. ये अपन जो शूट करने आए ना, ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिखाते के प्लेन कैसे उड़ाने का. तो ये देखो यहाँ पे दिखा है प्लेन कैसे उड़ाते. ऐसा हाथ में लेके फेंक देने का. What the fuck? दिख रहा हूँ अभी, दिख रहा हूँ. एक्शन कौन बोल रहा है फ्लाइट बोरिंग है. भावानो मी तुमचा मनोरंजन करणार आहे. काय पाहिजे एक कसं चाललंय मग जबरदस्त मस्त बसलेत फ्लाइट मध्ये. रूसला चालले. रूस कुठे आहे? रूस. रूस म्हणजे रशिया. अच्छा अच्छा. रूस मध्ये सीधा घुस. फ्लाइट के इमरजेंसी द्वार दो आगे हैं, दो पीछे हैं और दो बीच में है, लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी
क्योंकि ते फ्लाइट में उड़ा रहे ना तो इमरजेंसी का टेंशन ही नहीं। फाइनली पैकअप हो गया एंड वी बैक टू द होटल। अभी जितना भी फ्लाइट का शूट था वो तो हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। वी वांटेड टू शूट मतलब एक दो रील शूट करनी थी बट हमारा टाइम खत्म हो गया। वी हैड बुक्ड इट फॉर सर्टन आवर्स एंड हम लोग ऑलरेडी थोड़ा एक्स्ट्राज लेके शूट कर लिया सो देयर वाज नो पॉसिबिलिटी कि हम और एक्सटेंड कर पाए तो एक दो रील रह गई। अब कल का दिन हमारे पास एक जो बफर था उसमें हम दिल्ली घूमेगा। एक्चुअली थोड़ा लॉकडाउन सीन है तो रिस्पॉन्सिबली हम लोग भी मतलब ज़्यादा नहीं घूमेंगे। एक दो फेमस जगह है जहाँ पे हमको खाना खाना पसंद है बट आई थिंक शायद रेस्टोरेंट्स भी क्लोज हो चुके हैं नॉर्म्स के हिसाब से। सो विल ट्राई टू फिगर आउट एंड उतना सा घूम लेंगे या तो फिर शाम के रिलेटिव्स है 5-6 उनके घर पे जाके आ जाएंगे यार।